नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा जब जालौन पहुंची तो एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। अखिलेश यादव ने अपना रथ रुकवाया और रथ से उतरकर एक बूढ़ी औरत के पैर छू लिए। ये देखकर हर कोई हैरान था कि लाखों लोगों की भीड़ में ये गरीब सी दिखने वाली औरत कौन है और अखिलेश यादव ने इस बूढ़ी दादी के पैर क्यों छुए, और बदले में उस बूढ़ी औरत ने भी अखिलेश यादव का हाथ चूम लिया। तो जानना चाहते हैं जालौन में ये क्यों हुआ और इस बूढ़ी औरत ने अखिलेश यादव के हाथ को क्यों चूमा, सब बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। दोस्तों, हुआ ये था कि अखिलेश यादव की रथ यात्रा जालौन से कानपुर की तरफ जा रही थी, तभी अखिलेश यादव को भीड़ के बीच एक बूढ़ी दादी दिखाई दी। अखिलेश यादव ने अपने साथियों से पूछा कि नौजवान कार्यकर्ताओं के बीच में ये बुजुर्ग महिला कौन है। पता कराया गया तो पता चला ये बूढ़ी दादी दस्यु सुंदरी फूलन देवी की माँ फूला देवी हैं। वो फूलन देवी जिनके नाम से चंबल की घाटियाँ खौफ खाती थी, वो फूलन देवी जिन्होंने अन्याय को खत्म करने के लिए बंदूक उठा ली थी। अखिलेश यादव ने तुरंत अपना विजय रथ रुकवाया और फूलन देवी की माँ के पैर छुए, उनका हाल जाना और अपने साथियों को आदेश दिया कि फूलन देवी की मां को कोई तकलीफ ना होने पाए और उनके जीवन की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। अखिलेश यादव ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि फूलन देवी की मां को घर तक छोड़कर आएं। उसके बाद अखिलेश यादव आगे बढ़ गए। दोस्तों, जब दुनिया फूलन देवी को नीच जाति का होने का ताना मारती थी, नफरत करती थी, तब मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए और फूलन देवी को मुख्य धारा में लाने के लिए 1996 में मिर्ज़ापुर सीट से सपा का सांसद बनाया था, फिर दोबारा भी लोकसभा भेजा था। फूलन देवी का जन्म जालौन के ही घूरापुरवा गाँव में हुआ था। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।